और अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से। एक शर्मसार कर देने वाली खबर दिल्ली से आई। दिल्ली में एक महिला के कपड़े फाड़कर उसे नंगा किया जाता है और फिर सरेराह 1.5 किलोमीटर तक घुमाया जाता है। और इस वारदात को अंजाम देते हैं वो शराब माफिया जो पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद धड़ल्ले से नशे का काला कारोबार करते हैं। पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगाते हुए ये दावा पीड़ित महिला ने किया। जब वो मुझे घसीट करके नंगा करके लेके जा रहे थे, एक पुलिस स्टाफ आया बीच में कि मैडम आप जी को छोड़ दीजिए, आप उनको साथ इतना वो मत करिए, उनको चादर दीजिए, शॉल दीजिए। पता है उन्होंने उस पुलिस वाले को भी मारा और वो भी बेचारा साइड हो गया। सुना आपने, दरिंदगी ऐसी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सिसकियां लेकर अपनी आप बीती सुना रही इस महिला का कसूर सिर्फ इतना है कि ये दिल्ली में शराब माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। महिला आयोग की कार्यकर्ता के तौर पर ये पीड़ित दिल्ली के नरेला इलाके में अवैध शराब का काला कारोबार करने वालों के खिलाफ मुहिम चला रही थी। और यही बात अवैध शराब का काला कारोबार करने वाले माफियाओं को नागवार गुजरी। महिला का आरोप है कि 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने न सिर्फ उसे मारा बल्कि नंगा करके सड़क पर 1.5 किलोमीटर तक घुमाते रहे। वो मुझे मारते रहे, मेरे को रोड से मारते रहे, मैं कुछ नहीं बोली। उन्होंने मुझे, मैंने सिर्फ यही कहा कि मैंने नशे के खिलाफ आवाज उठाई है, नशा बंद होना चाहिए। हमारी कॉलोनी में खुला नशा बिकता है, वो भी पुलिस बूथ के सामने बिकता है, कोई बोलता नहीं। और मैंने बोला तो उसकी मुझे सजा दी है। पीड़िता का दावा है कि उसने महिला आयोग की टीम के साथ मिलकर अवैध शराब की मोटी खेप जब्त करवाई थी। 6 दिसंबर को महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की टीम ने नरेला इलाके के एक घर में छापेमारी की थी। पीड़ित महिला की निशानदेही पर शराब माफिया के घर से 350 पेटी अवैध शराब जब्त की गई थी। दिल्ली पुलिस को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई थी। पीड़ित महिला के दावों की पुष्टि खुद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने की है। पुलिस शराब माफिया को पकड़ने में टोटली नाकाम है। उनके नाक के नीचे शराब माफिया फल फूल रहा है। इतनी ज्यादा घरों में जा जाके दिल्ली महिला आयोग शराब पकड़वा रहा है। जब इलाके की महिलाएं खड़ी होती हैं, वो लड़ने की कोशिश करती हैं इस क्राइम से, तो उन्हीं के ऊपर अटैक होता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। पूरा का पूरा सिस्टम बिल्कुल नपुंसक हो गया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है। साथ ही पीड़ित महिला के आरोपों पर सफाई भी दी है। पिटाई करने वालों में कोई पुरुष शामिल नहीं था। 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। गंभीर चोट आने के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। लेकिन राजधानी दिल्ली में हुई इस वारदात ने दिल्ली पुलिस और उसके काम करने के तरीकों को सवालों के कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।